हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग मजे में होंगे और अच्छे से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। जो आज का वीडियो है वो आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। आज का जो वीडियो है वो मेरा होम टूर है और बहुत टाइम से फरमाइश आ रही थी, सब मुझे बोल रहे थे कि आप सिर्फ लिविंग रूम और बेडरूम के ही मेकओवर्स दिखाते हैं, आपने कभी भी अपने घर का टूर हमारे साथ शेयर नहीं किया है। काफ़ी जनों ने मुझे बोला था कि हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे अपने घर को डेकोरेट करके रखते हैं। एक्चुअल में मैंने देखा जाए तो अभी और एरियाज पे डेकोरेशन पे वर्क नहीं किया है, लेकिन काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे तो मैं एक होम टूर लेके आई हूँ आपके पास, जिसमें मैंने पूरा मेरा घर दिखाया है, रेंडम ही दिखाया है। घर इतना साफ सुथरा नहीं है और मैंने स्पेशली वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं किया है। जिस कंडीशन में घर है उस कंडीशन में आप देखेंगे। 2 BHK का मेरा फ्लैट है, थाने में मैं रहती हूँ, एवरेस्ट वर्ल्ड में। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा जो ये 2 BHK फ्लैट है वो 15 फ्लोर पर है और बाहर से कुछ देखने में ऐसा है, एंड पूरा हमने वुडवर्क इसमें बाहर कराया हुआ है। अभी डेकोरेशन थोड़ा सा रहता है तो अभी मैंने ये एरिया डेकोर नहीं किया है। उसके बाद हम चलते हैं एक और सिक्योरिटी गेट के बाद, एक जो बिल्डर ने हमको जो गेट प्रोवाइड किया था वो एक गेट है, तो डबल गेट है, डबल सिक्योरिटी है। एंड फिर ये मेरा घुसते से ही जैसे आप एंटर करते हैं आपको लिविंग रूम मिलता है, एंड लिविंग रूम का मैंने ज़्यादा कुछ अभी फ़िलहाल नहीं लिया है। आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिविंग रूम डेकोर की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो लिविंग रूम के सामने जस्ट एक बैल्कनी है, ये पूरी बैल्कनी बाहर खुलती है और सबसे मज़े लेने का काम ही ये है कि जैसे ही आप लिविंग रूम में बैठते हैं आपको मस्त व्यू मिलता है। आप देख सकते हैं मेरे 2 BHK फ्लैट में ये कजारिया की टाइल्स लगी हैं और ये टाइल्स बहुत अच्छी हैं, एकदम से शाइन मारती हैं, ज़्यादा गंदी नहीं दिखती हैं। पूरे ड्राइंग रूम में हमने फॉल सीलिंग कराई हुई है और आप देख सकते हैं हमने कितना प्यारा POP का काम करवाया हुआ है एंड LED लाइट्स भी लगवाई हुई है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना खूबसूरत वर्क है। हमने सिर्फ ड्राइंग रूम में ही ये POP का वर्क कराया है, दोनों बेडरूम्स में हमने ये वर्क नहीं कराया है। एंड हमने ये बकायदा वॉल पे भी डिजाइन बनवाए हुए हैं जो कि टेक्सचर डाला हुआ है, एंड ये देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे प्यारा सा वॉलपेपर लगाया हो, बट एक्चुअल में हमने ये वॉल पर ही टेक्सचर पेंट कराया है पेंटर की मदद से, और ये वॉल को हमने हाईलाइट किया है। बाकी हमने क्रीम कलर का वॉशेबल पेंट यूज किया है ताकि हम अपनी वॉल को अच्छे से वॉश कर सकें। तो जब कभी भी मेरी दीवारें गंदी हो जाती हैं तो मैं स्कॉच ब्राइट की मदद से उसको साफ कर लेती हूँ। और ये कॉर्नर सोफा है जो कि सोफा कम बेड है, अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो वो खुल जाता है और एक किंग साइज बेड में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें आराम से 3 जने सो सकते हैं। और ये मूवेबल है, मैं इसको इधर से उधर, उधर से इधर करती ही रहती हूँ। हमारी किचन है, पूरी मॉड्यूलर किचन है। अभी मैं आपको बाद में इसको अच्छे से किचन का दिखाऊंगी, मैं आपको पूरा 360 घुमा के दिखाया है कैसे है। इधर साइड में पैसेज में है एंड देन इस पैसेज से आप जाएंगे आगे की तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड में वॉशरूम है। तो चलो मैं आज आपको वॉशरूम का भी टूर करा देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, बहुत प्यारा वॉशरूम है, इवन इनफैक्ट मेरा ड्रीम वॉशरूम है। हमने पूरी इस पर किट लगाई हुई है, टाइल्स देखिए कितनी प्यारी हमें टाइल्स लगाई हुई है। इवन जो WC है वो भी ऊपर की तरफ है तो नीचे से सफाई आसानी से हो जाती है। WC के ऊपर वाटर की टैंक ऑलरेडी दीवार के अंदर इनबिल्ट है, सिर्फ एक बटन प्रेस करते हैं और फ्लश हो जाता है। वॉशरूम का स्लोप भी बहुत अच्छा है, आप अगर एक पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ी देर बाद आपका वॉशरूम ड्राई हो जाता है, आपको वाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। गीजर लगा हुआ है, सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर आपके इस वॉशरूम में। साइड में टॉवल स्टैंड है, वॉपिंग वगैरह होती है, वो सब मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। साइड में मैंने उसको खूबसूरती देने के लिए एक प्लांट रखा हुआ है क्योंकि मुझे वैसे भी प्लांट्स का बहुत शौक है। सोप डिश वॉश हमने लगाया हुआ है। और ये किट किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें इन स्क्वायर से भी पानी निकलता है और ये 2 बटन्स हैं जो दोनों बटन से ऑपरेट होता है। ऊपर वाले बटन का जब हम नॉब चेंज करते हैं तो उसकी सेटिंग चेंज होती है, अलग अलग जगह से वाटर निकलता है। जैसे इस वाले नॉब से अगर हम चेंज करेंगे, यहाँ से पानी की सप्लाई शुरू होती है। आपको दिखाती हूँ कि मैंने जैसे वाटर
ऑन किया एंड नॉब चेंज किया तो पहले वहां से पानी आ रहा था, आप देख सकते हैं, और अभी ऊपर से पानी आने लगा है जैसे ही मैंने उसका नॉब, वही सेम बटन को मैंने वही सेम नॉब को टर्न किया एंड ऊपर से पानी आने लगा। एंड देन दोबारा से मैं उसको टर्न कर रही हूँ तो फिर इन स्क्वायर्स के अंदर से पानी आ गया। काफी अच्छा प्रेशर रहता है, पूरा एकदम से एक्वा प्रेशर लाइक फीलिंग होती है। देन फिर उसका वही सेम नॉब चेंज करने से टैब के अंदर से पानी आ गया। एंड गर्म एंड ठंडा पानी सिर्फ इस नॉब के एडजस्टमेंट से ही होता है, इवन पानी का प्रेशर भी इसी नॉब से एडजस्ट होता है। तो ये मेरा वॉशरूम है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा डेकोर करने के लिए एक फिश लगाई हुई है। एंड ऊपर का जो है बढ़िया सा प्यारा सा, आप देख सकते हैं, छत भी बहुत प्यारी नीट एंड क्लीन है एंड बहुत ही प्यारा है। उधर खिड़की है, वैसे तो मैं बंद ही रखती हूँ ये खिड़की, आप चाहें खोलेंगे तो अच्छा वेंटिलेशन होता है, हवा काफी अच्छा आर पार आता है अगर आप खिड़की खोलते हैं। देन फिर हम सीधे इस पैसेस के आगे जाएंगे एंड पे, यहाँ पर मेरा बेडरूम है। बेडरूम कि मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें आपको पूरा बेडरूम टूर कराया है, तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जस्ट शॉर्ट में दिखा रही हूँ। आप चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वीडियो देख लीजिएगा। एंड देन बेडरूम का जो वॉशरूम है बिल्कुल सामने, ये वॉशरूम है एंड ये वॉशरूम भी उसी तरीके से है, सेम गीजर फिटेड है। प्लस इस वॉशरूम में वॉश बेसिन है जो उस वॉशरूम में नहीं था। एंड इस वॉशरूम में सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर हमको गीजर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, यहाँ पर ऑलरेडी सोलर वाटर आता है, जो भी पानी धूप से गर्म होता है वो पानी हमको यहाँ मिल जाता है। तो इनफैक्ट मुंबई में तो धूप हमेशा रहती है तो आपको हमेशा हॉट वाटर अवेलेबल रहता है, तो गीजर ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड सेम वही किट यहाँ पर फिट है, वही किट वही चीज वही वैसे ही वर्क करती है। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली, बस इसका थोड़ा सा हमने डेकोर चेंज किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये छोटी सी बालकनी है, ज्यादा बड़ी बालकनी नहीं है, नॉर्मली मैं इसको स्टोरिंग के लिए यूज करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरी फेंसिंग लगाई हुई है और फेंसिंग होने की वजह से बारिश का पानी अंदर नहीं आता है, तो जो भी सामान मुझे डंप करना होता है मैं इस बालकनी को ही यूज करती हूँ। इवन मैं मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी इस बालकनी के अंदर करती थी। 650 कारपेट एरिया है, बालकनी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बालकनी का एक्स्ट्रा। और ये कबर्ड्स हैं जो कि मैंने बेडरूम में बनवाए हुए हैं, ऊपर की तरफ काफी सारा स्टोरिंग मैंने कराया हुआ है। फिर उसके बाद वापस से ये पैसेज आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और इधर वॉशिंग मशीन पड़ी है जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ, और वॉशिंग मशीन के साथ में आप देख सकते हैं सिंक लगा हुआ है एंड ब्रश वगैरह सुबह उठ के करना रहता है, क्योंकि मेरे वॉशरूम है उसमें सिंक नहीं लगा हुआ है, और जो बेडरूम का वॉशरूम है उसके अंदर सिंक लगा है। एक रूम में आपको दिखा चुकी हूँ एंड ये 2 BHK है। और सेकेंड रूम हमारा राइट हैंड साइड का जो रूम है ये सेकेंड रूम है, और ये रूम मोस्टली हम लॉक रखते हैं क्योंकि ये मेरे बेटे का रूम है, फिलहाल वो दिल्ली गया हुआ है तो रूम खाली है, और डॉग्स की वजह से हम इस रूम को लॉक ही रखते हैं, नहीं तो वो जाके कंधा करते हैं। ये सोफ़ा कम बेड है, अभी मैंने उसको जस्ट सोफ़ा बनाया हुआ है एंड अभी फिलहाल तो मैंने मेरा ही स्टफ रखा हुआ है क्योंकि वो है नहीं। ये वॉल पे हमने पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है, इनफैक्ट ये पूरी डिजाइनिंग मैंने खुद ने करी है, मैंने खुद ने ये वॉल डेकोर किया था जब भी हम यहाँ आए थे, तो पूरा ये वॉल मैंने खुद ने डेकोर किया है। एंड यहाँ पर हमने सीलिंग नहीं कराई हुई है सिंपल, लेकिन कॉर्नर पे मेरे बेटे ने LED लाइट्स की स्ट्रिप्स लगाई हुई है, तो जब रात होती है तो वो ऑन करके रखता है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। घर का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है, वास्तु के हिसाब से प्रॉपर बना हुआ है। और इस बेडरूम की जब आप सारी खिड़कियां खोल देते हैं तो आपको बालकनी का एक मस्त व्यू मिलता है एंड पूरा झूला लगाया हुआ है, आप पूरी खिड़कियां खोल देते हैं तो आप इवन पूरा रूम आपका बड़ा सा हो जाता है। साइड में हमने बीन बैग रखा हुआ है, बीन बैग के ऊपर मैंने कुशन कवर्स रखे हुए हैं, थोड़ा सा कई बार चाय पीनी होती है शाम को तो एक जना बीन बैग बैठ जाता है। झूले का बहुत शौक है तो मोस्टली मैं झूले पे ही बैठती हूँ एंड मेरा बेटा रहता है, तो हम शाम को अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटा इवन रात तक हम यहीं पर हमारा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड ये मेरे पूरे घर में सबसे फेवरेट जगह मेरी यही है जहाँ पे मैं मेरी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती हूँ। पूरे घर की लाइटिंग बहुत अच्छी है, किचन बेडरूम सारी जगह बहुत अच्छे नेचुरल लाइट्स आती है, लाइट नहीं जगाओ तो दिन भर आपको काफी अच्छी रोशनी मिलती है। इवन दोनों वॉशरूम्स में भी काफी अच्छी लाइट आती है। घर का वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है, अगर आप दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं तो बहुत अच्छी हवा आती है। दोनों बेडरूम में ड्राइंग रूम में AC लगा हुआ है, गैस सप्लाई है तो आपको गैस सिलेंडर की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मस्त व्यू मिलता है इस बालकनी से, और ये बालकनी
किचन एंड बेडरूम से अटैच्ड है, तो अगर आप इस बालकनी से चाहें तो पूरा किचन में भी जा सकते हैं एंड किचन से पूरा आप आगे ड्राइंग रूम में जा सकते हैं। काफी लंबी, काफी खुली डुली बालकनी है। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर सारी फैसिलिटीज हैं, जिम है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है। जब घर के अंदर आप आते हैं तो नीचे डबल सिक्योरिटी है, आपको कार्ड मिलता है, कार्ड पंच करके ही आपके गेट खुलते हैं और आप अंदर आते हो, एंड इंटरकॉम फैसिलिटी भी है। मैं आपको कबर्ड्स भी दिखाती हूँ। ये जो कबर्ड्स हैं, यहाँ पर पूरा मैंने मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखा हुआ है। पूरा बेटे का कबर्ड है लेकिन मैंने यूज किया हुआ है फिलहाल, क्योंकि वो है नहीं। एंड ये हमने ड्रॉर्स बनाए हुए हैं ताकि कपड़ा इजीली मिल जाए और इसके अंदर डस्ट भी नहीं जाती है, अच्छे से कपड़े सेफ रहते हैं। तो हमने इस तरीके से ड्रॉर्स बनाए हुए हैं, काफी अच्छी वॉल ड्रॉप्स हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाए हैं और कार्डबोर्ड बॉक्सेस मैंने उनके साइज में बनाए, तो मैं इसके अंदर जो भी सामान होता है वो इजीली स्टफ करके रख देती हूँ और आराम से निकाल लेती हूँ। इस रूम में सिर्फ ये ड्रेसिंग टेबल है जो फिक्स है, जो मूव नहीं होता है। बाकी सोफा कम बेड जो है वो आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, तो मैं मेरे मूड के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन चेंज करती रहती हूँ। और इस फ्लैट के साथ आपको पोडियम पार्किंग मिलती है, जहाँ पे हम दो कारें हमारी और चार टू व्हीलर्स हम पार्क करते हैं। हम बाहर निकलते हैं, हम पैसेज में आ जाते हैं। पैसेज के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से है और पूरा ऊपर प्यारा सा छत पूरी अच्छी से बनी हुई है। ऊपर स्टोरिंग के लिए मैंने पूरा सामान रखा हुआ है, तो जो भी सामान बहुत ज्यादा टाइम बाद यूज होता है वो सब हम ऊपर डंप कर देते हैं। देन राइट हैंड साइड में मेरी किचन है। किचन की एंट्री पे ही हमने फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन हमारे लिए इनफ। इस टोकरी के अंदर जो भी आलू प्याज है वो इसके अंदर रखती हूँ, एंड जितनी भी क्रॉकरी वगैरह है वो सब यहाँ पर रखी जाती है, डब्बे वगैरह वो सब यहाँ पर। ऊपर स्टोरेज है, इधर माइक्रोवेव फिटिंग कराई हुई है हमने, मॉड्यूलर किचन है, बहुत अच्छे से किचन बनवाई हुई है। आप देख सकते हैं पूरा नीचे स्टोरेज है सारा। पैरेलल किचन है, किचन का साइज भी काफी अच्छा है, ना बहुत बड़ा है ना छोटा है, हमारी फैमिली के लिए इनफ है। इस तरफ सिंक है और सिंक के साथ में ही, एंड देन फिर यहाँ पर गैस है। पूरा मॉड्यूलर किचन है, सारी ट्रॉलीज वगैरह सब बाहर निकल आती हैं। आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से, बहुत प्यार से हमने ये किचन बनवाया है। काफी स्टोरेज है, काफी सारा सामान किचन के अंदर आ जाता है। सारा सामान अच्छे से अरेंज नहीं किया हुआ है अभी फिलहाल, तो क्योंकि मैंने रैंडम वीडियो ही बनाई है। किसी दिन मैं आपके साथ किचन का टूर स्पेशली शेयर करूंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से मेरे किचन को डिजाइन किया है। एक्चुअली मैं ज्यादा किचन का काम करती नहीं हूँ, तो किचन में कम ही मेरा आना जाना होता है। आई एम नॉट अ किचन लवर। मेरी मेड्स ही किचन को देखती हैं और वही यहाँ की साफ सफाई करती हैं। इवन तीनों टाइम का खाना भी वही बनाने आती है। मीन्स आई डोंट लाइक टू कुक बट आई लाइक टू ईट ओनली। आई नो हाउ टू कुक बट आई डोंट लाइक टू कुक। सो ये ऊपर वाटर प्यूरिफायर है, ऊपर इधर इस तरफ भी हमने स्टोरेज बनाया हुआ है, तो हमारे जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं वो सारे ऊपर स्टोर हो जाते हैं। और किचन में दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आप देख सकते हैं काफी स्टोरेज है, काफी सारा सामान किचन का आ जाता है। हालांकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास किचन का काफी सामान है। मैंने अलग अलग ड्रॉर्स में प्रॉपर किचन का सामान रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरफ पूरी स्टोरेज है। किचन बाहर हमारी बालकनी की तरफ निकलती है। आप देख सकते हैं किचन से ही बालकनी का रास्ता है, एंड काफी अच्छी धूप आती है किचन में। जैसे ही किचन से बाहर निकलेंगे बालकनी आती है सामने। इधर आप चाहेंगे तो आराम से झूला लगाया हुआ है, आप बैठ के झूल सकते हैं। इस घर का सबसे फेवरेट पार्ट ये बालकनी ही है। हमने पूरा फ्लोरिंग कराया हुआ है। नॉर्मली बिल्डर आपको बिल्कुल रॉ बालकनी देते हैं, लेकिन हमने टाइल्स लगाई हुई है। सामने शू रैक है, जो भी हमारे शूज वगैरह रहते हैं हम उस पूरा उस रैक में रखते हैं। एक शू रैक एंट्रेंस पे भी है लिविंग रूम के अंदर, जिसके अंदर डेली शू वेयर्स रखते हैं। एंड 11 बजे के बाद इस बालकनी में काफी अच्छी धूप आती है, बहुत प्यारी धूप आती है, जो कि ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे तक चली जाती है। एंड यही बालकनी आप देखिए इधर ड्राइंग रूम में निकलती है। आप देख सकते हैं बालकनी से पूरी खिड़की खोलने के बाद पूरा ड्राइंग रूम में आपको बालकनी का व्यू मिलता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बालकनी बनाई है। सामने मैंने एक पूरा क्रॉकरी यूनिट रखा हुआ है। जो भी मेरी अट्रम शट्रम क्रॉकरी है वो सारा मैं इस यूनिट में रखती हूँ। बारिशों में थोड़ा सा पानी अंदर आता है, बहुत ज्यादा पानी अंदर नहीं आता है। हम लोग प्लास्टिक के कर्टन्स लगा देते हैं ताकि बारिश के पानी से मेरी ये अलमारी खराब ना हो। ये पूरा व्यू बालकनी से दिखता है और शाम को यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और मस्त मौसम रहता है यहाँ पर। इनफैक्ट हमने बालकनी की सीलिंग भी बहुत अच्छी कराई हुई है, बाहर लाइटिंग भी बहुत अच्छा कराया हुआ है। तो रात को भी अगर आप लाइट जलाते हैं और लाइट जलाने के बाद रात को भी बालकनी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और हमने यहाँ पर कबूतर जाली लगाई हुई है, जिससे कबूतर अंदर नहीं आते हैं।
एंड मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हैंगिंग प्लांट्स भी रखे हुए हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मैंने जस्ट जो किचन के यूज डब्बे वगैरह रहते हैं उनको यूज करके प्लांट्स बनाए हैं। और मेरी बालकनी को मैंने थोड़ा सा प्लांट के साथ अच्छे से डेकोर किया हुआ है क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं और मैं शाम को यहाँ पर बैठ के यही देखती हूँ। खिड़कियों में हमने मच्छर जाली लगाई हुई है, मतलब अगर आप चाहें कि ताजी हवा अंदर आए तो आप जाली वाली खिड़की खोलकर कांच वाली खिड़की बंद कर सकते हैं। एंड देन पूरी सीलिंग है, पूरी लाइटिंग है, रात को हम जब लाइट्स जलाते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये किचन का व्यू है बालकनी की तरफ से, एंड धूप बहुत आती है तो हमने ये यहाँ पर स्लाइड्स लगाया हुआ है, जब हम इसको पूरा डाउन कर देते हैं तो प्रॉपर हमारी धूप अंदर नहीं आती है लेकिन हवा अंदर आती रहती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इवन इनफैक्ट हमने दो दो दरवाजे लगाए हुए हैं, एक जाली लगाई हुई है, एक कांच का दरवाजा लगाया हुआ है, एंड बहुत प्यारा बनाया हुआ है। अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ और मैं अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, आप भी अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। अपनी जिंदगी का भरपूर मजा लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे कोई आइडियाज पसंद आए हो, मेरा घर अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू सो मच, एंड स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।